तुम खुश नहीं हो? नहीं तो अब वो सबरीना, तुम बिला झिझक मुझसे बात कर सकती हो। जहां तक मेरा ख्याल था, तुमने ये फैसला किसी से प्रेशराइज होकर नहीं किया था, बल्कि तुमने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से हाँ की थी। लेकिन जब भी हमारी मुलाकात हुई, बात हुई, मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम इस फैसले से खुश नहीं हो, या फिर तुम मुझे पसंद नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। देखो, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी। मैं उस दिन तुम्हें वहां लेकर गया, मुझे तुम्हें टाइम देना चाहिए था, मगर अनफॉर्चुनेटली नहीं दे सका। लेकिन अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही थी तो तुम मुझसे शेयर करती, मुझे बताती, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर रहा था। किसी दूसरे को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? मोहित भाई कोई गैर नहीं है, मुझे जब भी कहीं आना जाना होता है मैं उन्हीं से कहती हूँ। शांजे के साथ आप कुछ ज्यादा ही मसरूफ थे, इस वजह से मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। सबरीना, शांजे और मैं बचपन से दोस्त हैं, वो मेरे क्लोज है, लेकिन एज अ फ्रेंड हमारे दरमियान कुछ नहीं है। मेरी और भी बहुत सारी दोस्त हैं, कलीग्स हैं, लेकिन मैं उनको एज अ फ्रेंड मिलता हूँ, लिमिट्स में मिलता हूँ। किसी से फ्रैंक होने का ये मतलब नहीं होता कि आपका उनसे अफेयर हो। आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? मैंने तो आपसे नहीं पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दिल से हर गलतफहमी, हर बदगुमानी निकाल कर मेरी तरफ कदम बढ़ाओ। मेरे नजदीक हमारे रिश्ते की बुनियाद ट्रस्ट और लॉयल्टी है। मैं तुमसे हमेशा लॉयल रहूंगा और मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ। तुम्हारे दिल में कोई भी बात हो, तुम मेंटली स्ट्रेस्ड हो, मुझसे शेयर करो, किसी और से नहीं। मुझे अच्छा लगेगा।